अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो जी आज कर रही हूँ मैं ये कटिंग का काम। कटिंग क्या करना है, ये है सारा लहसुन। ये मुझे इसका ना जो ये है, ये वाला हेड ये काटना है, ये रिमूव करना है और ये रखना है। तो कर दे जल्दी जल्दी से स्टार्ट। ऐसे उठा तो जी लहसुन का काम मैंने कर लिया है खत्म। मैं मतलब एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट करा था वो काम करना था, तो अभी बाहर से आए थे वो, मतलब ना जो ये लेते हैं लहसुन, तो वो आए थे, उन्होंने बोला कि आपको मत भेजना है। मैंने बोला हाँ, तो फिर उन्होंने खुद वो काटा जो कि आपने ब्लॉग में देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी मतलब एज़ हाउस वाइफ मेरी ये पहली कमाई है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। पहली नहीं है मतलब, बट एज़ हाउस वाइफ पहली है, क्योंकि मैं शादी से पहले भी जॉब करती थी एंड शादी के बाद भी जब तक इब्राहिम हुआ, लेकिन यह हमारा घर से ही मेरी पहली कमाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हो गई। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर, अब मुझे रोटियाँ बनानी है, तो फिर करेंगे नमाज की तैयारी। लंच के नमाज के बाद हम फिर लंच करेंगे। तो सौद बीबी को मैंने सुला दिया है, तो अभी मैं करूँगी जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म। तो ईद की सफाई भी जो है वो मैंने कर ली है ऑलमोस्ट, मतलब सारी मैंने कर ली है ख़त्म, सब जगह पे, रूम्स, लॉबी। अब सिर्फ बचा है वॉशरूम, वो मैं कल मतलब वॉशरूम की जो है कल डीप क्लीनिंग करूँगी इंशाल्लाह। तो आज थोड़ा रेस्ट लेंगे और घर का डेली रूटीन काम जो है वो करेंगे। जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका अल्लाह होता है, ये सच है। मतलब मैं जब बाहर काम करने लगी थी ना, सौद बेबी इतना रो रहा था, इतना तंग कर रहा था ना, काम नहीं करने दे रहा था मुझे। तो अचानक से वो लहसुन वाले भैया पैदा हो गए, तो मतलब इवन उन्होंने बोला, हमारे जो नेबर्स हैं ना जिन्होंने भी सारा लहसुन गार्लिक भेजा, उन्होंने खुद वो साफ़ किया अच्छे से सारा। तो मैंने अभी ऐसे मुझे ईद की सफाई भी करनी थी, तो मैंने ऐसे ही पेंडिंग रखा था ये काम। तो अल्लाह की तरफ से दो बंदे आ गए, उन्होंने खुद ही साफ़ किया, खुद ही ले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे अच्छे खासे पैसे भी आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल हाल। इसलिए इतनी खुश हूँ कि जिस काम का आपको ना इल्म ना हो, मतलब पता ना हो कैसे क्या करना है, मतलब उसमें आपको एप्रिसिएशन मिले, वो कमा के दे वाला वो चीज़, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। मुझे लगता था कि मुझे नहीं आएगा, मैं कैसे करूँगी, क्या होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब दूसरों को देख देख के मैंने भी सीख लिया है। अदरवाइज़ मैं शादी से पहले ये सारा काम नहीं करती थी, क्योंकि हमें मेरे मायके में ये नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़मीन नहीं है वहाँ, तो जो हम ये काम कर सकें। सो यहाँ पे मैंने दूसरों को देख देख के सीख लिया है, किसी ने नहीं बताया बट दूसरों को मैंने खुद ही देखा है कैसे क्या करते हैं। तो इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि इसका जो ये लहसुन है, इसका ये घास जो है ये हटाना होता है, ये भी नहीं पता था। मुझे पता था ये ऐसे ही भेजना, लेकिन फिर मैंने देखा नेबर्स वगैरह कर रहे थे, तो मैंने भी करा। एंड आपको पता है जो ही मैंने ना मतलब वो पैसे हाथ में लिए एंड मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैंने पहले भी बोला था उनको कि इसका क्या करूँ। उन्होंने बोला अगर कोई भेजने वाला आएगा तो, मतलब लेने वाला आएगा तो भेज देना। सो मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने बोला ऐसे इतने पैसे आ गए, एंड उन्होंने मतलब ही ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट मी कि बोला चलो मतलब तुमसे हुआ, वो खुश हुए। मैंने बोला कि मतलब खुश इसलिए नहीं हुए पैसे, मतलब इसलिए खुश हुए कि मैं वो बोल रही थी कि तुम बोल रही थी कि नहीं होगा कैसे होगा, देखा अब तुम भी कमाने लगी ऐसे ही। तो चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इवन दो वो मुझे अलाउ नहीं करते ये सब काम करने के लिए, वो बोले कि आप बच्चों को पकड़ो, घर को संभालो, बस बाकी नहीं है। हम सब्जी लाते हैं मार्केट से, तो आइंदा मतलब आगे भी लाएंगे, तो अब सिर्फ बच्चों का ख्याल रखो। लेकिन मैं खुद अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो जी मैं निकली हूँ आज इब्राहिम को बस तक साथ उनके ड्राइवर को देने हैं ईदी। आज है अरफा, देर अरफा, मतलब प्री अरफा कह सकते हैं।
ये मैंने उठाई है ईदी हाथ में, ये देंगे क्योंकि इब्राहिम के बाबा निकलते हैं आज जल्दी, तो आज इसे मैं ही ड्रॉप करती हूँ यहाँ बस तक। और ये सौद बेबी भी है साथ में। तो जी इब्राहिम को मैंने छोड़ा है स्कूल, तो अब मैं आ गई हूँ घर। अभी है सौद बेबी का नैप टाइम, मैं इसे सुला दूंगी क्योंकि इब्राहिम को छोड़ने के बाद मैंने ना थोड़ी लॉन्ड्री की थी, कपड़े वगैरह तो मैंने सारे धो लिए थे। आज था टॉवल्स डे, मतलब कि टॉवल धोने थे, बाथ टॉवल्स, किचन टॉवल, वॉश बेसिन टॉवल, मतलब जो भी टॉवल्स होती है घर में वो सारे मैंने आज धो लिए। दस्तर कौन हैंड टॉवल वगैरह सब धो लिए। तो अभी बजे है 11:30। अब मैं आई हूँ रूम में। अभी रूम में ही बस ऐसा ही सारा बिखरा पड़ा है, यहाँ पे मैं बाद में सेट कर लूँगी क्योंकि अभी स्वाद बेबी को सोने का टाइम है। तो आज मैं ना सारा काम जो है करके रखूँगी, मैंने धोने का काम भी सारा फिनिश कर दिया है। तो अभी है लास्ट में बचा वॉशरूम, वॉशरूम मैं आज ही धो लूँगी क्योंकि फिर कल करनी है कुकिंग, फिर टाइम नहीं मिलेगा मुझे कुछ भी काम करने का। कल का दिन फिर सारा जाएगा कुकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में, जो रोटी वोटी आती है फिर उसको ऑर्गेनाइज करना होता है और कुकिंग वगैरह करनी होती है ईद के लिए। तो जी वॉशरूम धोने के बाद मतलब कि शाम तक हस्बैंड भी आएंगे घर, वो थोड़ा जल्दी आएंगे आज, तो फिर हम जाएंगे ईद शॉपिंग के लिए, जो भी लाना होता है रोटी वगैरह तो उसके लिए जाएंगे, उसके लिए अलग से व्लॉग बनेगा। तो इस व्लॉग को करूँगी मैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।